तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं पिवट टेबल। एडवांस एक्सेल एंड डेटा एनालिटिक्स के कोर्स में हम बात करेंगे पिवट टेबल के बारे में। बट पिवट टेबल से पहले हम डिस्कस कर रहे हैं एक छोटी सी प्रॉब्लम जो मिस्टर अब्बासी जी की है, उस प्रॉब्लम पे हम बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे अपनी पिवट टेबल की टॉपिक पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं अपनी स्क्रीन आपको दे रहा हूँ। अब्बासी जी की प्रॉब्लम यही है कि उनके सिस्टम में उनके पास एक डेटा आया हुआ और डेटा के साथ क्या टेक्स्ट है, कुछ इस तरह से आपने बताया था, स्पेस साइज है ना, ऐसे बोला था सर आपने? नहीं सर, नहीं नहीं नहीं, इनकम तो एक बार मैं क्या बोला सर जी, मतलब जी जी अमाउंट मतलब चलो 10, बी बी अमाउंट इक्वल इधर आपने बोला था इस तरह से, आपने इस तरह से बोला था, मैसेज में लिखा हुआ था, ये बोले ना आप? हाँ, इनके सारे में ये एक्सेल में डिस्प्ले होना चाहिए, टोटल में टोटल कितना है, मतलब इनके टोटल अभी कितना हो गया, तो मतलब 150 150 टोटल शो होना चाहिए, लेकिन जब तक क्लिक करेंगे इट शुड बी शो सेपरेट। आप यहाँ पे 150 चाहते राइट कम हो गए। यस, सबसे पहले चीज को जानिए कि आपने जो यहाँ लिख रखा है ये टेक्स्ट, क्योंकि क्वेरी कहती है किसी भी नंबर के साथ किसी तरह का टेक्स्ट आ जाता है तो टेक्स्ट हो जाता है, उस पर किसी भी तरह की मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं किया जा सकता। बात समझ गए? तो आपको जरूरत क्या होगा, अगली कॉलम में आपकी जरूरत होगी कि इसमें से नंबर को अलग किया जाए। तो आप क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे और डेटा मेनूबार में आपके पास होता है टेक्स्ट टू कॉलम, राइट? टेक्स्ट टू कॉलम में जाएंगे और बोलेंगे कि मुझे स्पेस के बिहाफ पे दोनों को अलग अलग कर देना है, फिर नेक्स्ट एंड फिनिश। उसके बाद जो है इसको रखें ठीक है, अदरवाइज इसको डिलीट भी कर सकते हैं और फिर यहाँ पे आप सब कर देना, समझे? अब इसको चाहो तो आप हाइड कर सकते हैं। अब इसी काम को हम ऑटोमेटेड है, आपका बार बार चेंज होते रहता है तो हम फॉर्मूले से करेंगे, तो उसके लिए हम फॉर्मूला जो आपको बढ़ाएंगे तो उसकी बता देंगे। देखिए ऐसे किसी भी तरीके से सम नहीं होगा जब तक कि इसमें से नंबर को अलग ना किया जाए। सुन आ गया सर? Sir, but in total, I want to show HH amount is 7. Sub, जब तक क्लिक करेंगे ना, अभी क्लिक करेंगे इधर तो शो होता है इट सम, फाइन? But I want to show here that 70 is HH, 30 is BB, and 50 is CC. In total, it should be show in 150, but जब तक क्लिक करेंगे, it show the detail. नहीं सर, ऐसे नहीं हो पाएगा। अच्छा ऐसा नहीं होता, नहीं। चलिए टॉपिक पर बढ़ते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं पिवट टेबल के बारे में और पिवट टेबल के बारे में हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। हमने कुछ रिकॉर्डिंग्स आपको भेजी थी पिवट टेबल से रिलेटेड, आई थिंक आपने देखा होगा। हम उसी तरीके से हम पिवट टेबल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है पिवट टेबल। तो चलिए पिवट टेबल की टॉपिक के साथ करते हैं। हमने डेटा को उठाया, एक नया फाइल में हमने इसको पेस्ट किया होगा। अब मुझे इससे पिवट लगानी है। तो पहले जिसको जानते हैं कि पिवट टेबल आपकी क्या है, क्यों इतना इम्पोर्टेंट, मैं बता रहा हूँ कि काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ऐसा क्यों? बेसिकली पिवट टेबल जो है आपका, वो हम कह सकते हैं कि समरी ऑफ द डेटा, ठीक है? तो पिवट टेबल का काम क्या है, डेटा को समराइज करना, क्योंकि कोई भी रिपोर्ट हम बनाते हैं तो उसका बेस स्ट्रक्चर समरी ऑफ द डेटा ही होता है। तो पिवट टेबल ऑल्सो समरी ऑफ द डेटा, ओके? तो पिवट टेबल लगाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो ऊपर का हेडिंग है वो हेडिंग ब्लैंक नहीं होना चाहिए। अगर आपका हेडिंग ब्लैंक है तो पिवट आपका लगेगा ही नहीं, अप्लाई ही नहीं होगा। सो हेडिंग होना चाहिए। दूसरी चीज, आपके डेटा में कुछ ब्लैंक रो है, अगर पूरी की पूरी रो ब्लैंक है तो पिवट लगाने से पहले पूरी डेटा को सिलेक्ट करना होगा,
मैं बात कर रहा हूँ पूरी की पूरी रो ब्लैंक रो की, न कि अगर किसी एक सेल में कुछ वैल्यू है किसी सेल में नहीं है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक ए जो है ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट कर लेगा, उसको कैप्चर कर लेगा, कंसिडर कर लेगा, बट पूरी रो होगा ब्लैंक तो कंसिडर नहीं करेगा, क्योंकि कंट्रोल ए करेंट रीजन के कमांड पर चलता है। अब हम बात करते हैं पिवट लगाते समय आपको डेटा के बारे में पता होना चाहिए कि डेटा क्या है। तो हमारा डेटा सिंपल सा सेल्स का डेटा है कि कस्टमर, इंडस्ट्री, रीजन, प्रोडक्ट, एस्टिमेटेड कितना था, एक्चुअल कितना हुआ, कितनी क्वांटिटी एमआरपी, किस क्वांटिटी से और किस क्वार्टर, कौन सा ईयर और किस सेल्स पर्सन ने इसको सेल किया, सिंपल सा सेल्स का डेटा है। तो डेटा को समझने के बाद आपको पता होना चाहिए कि हमें चाहिए क्या, बस जाए तुझे बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बेसिकली मुझे इसमें से चाहिए रीजन वाइज क्वांटिटी का टोटल, रीजन के हिसाब से क्वांटिटी का टोटल चाहिए, सिंपल सा। हमने इंसर्ट किया पिवट टेबल, ओके, उसके बाद हमने यहां से अपनी रीजन को यहां रखा, उसके बाद हमने क्वांटिटी को टोटल में रखा। तो रीजन को हमने रो में रखा क्योंकि हमें रो वाइज इसका लिस्ट चाहिए, और क्वांटिटी को हमने वैल्यू में रखा क्योंकि मुझे कैलकुलेशन चाहिए। तो याद रखिए जब कैलकुलेशन वाली पार्ट को हमेशा हम वैल्यू फील्ड में ही रखते हैं, ये आपका टोटल आ गया, समझे बंदे। अब मुझे इसको प्रेजेंट करना है तो ऐसे तो प्रेजेंट करूंगा, लेकिन सबसे पहले तो इसकी हेडिंग चेंज करना है क्योंकि रो लेवल, तो रो लेवल क्या, हमें तो यहाँ पे रीजन चाहिए ना, सम ऑफ द क्वांटिटी, तो यहाँ पे मुझसे टोटल क्वांटिटी, मतलब कि हम हर एक पार्ट को चेंज कर सकते हैं, किसको चेंज नहीं कर सकते, इसको, मतलब कि जो क्वांटिटी में, सॉरी जो क्वांटिटी वैल्यू फील्ड में रखी है, मतलब जो वैल्यू फील्ड में पोस्टेड है, वैल्यू फील्ड में प्लॉटेड है, उसकी हम किसी भी तरह की चेंजिंग नहीं कर सकते, जो कैलकुलेटेड डेटा है उसकी चेंजिंग हम नहीं कर सकते। अब बात आती है इसकी फॉर्मेटिंग की, इसको सिलेक्ट करके आप यहाँ होम से जो जनरली जो फॉर्मेट करते हैं डेटा में, उस तरह की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि अगर आपने नॉर्मल फॉर्मेटिंग किया तो क्या होगा कि कल के डेट में जब हम रिफ्रेश करेंगे, हम रिफ्रेश क्यों करेंगे, जब हम डेटा को अपडेट करेंगे, मतलब डेटा में किसी तरह का आप चेंजिंग करते हो तो पिवट पे इफेक्टिव तब होगा जब आप राइट क्लिक करके रिफ्रेश करते हैं, थोड़ा सा फॉर्मेटिंग रीसेट हो जाता है, तो दिक्कत हो जाएगी। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि जिस पिवट टेबल पे क्लिक करेंगे तो ऊपर आपको डिजाइन दिखेगा, डिजाइन में आप यहां देखिए आपके सामने जो है फॉर्मेटेड है, आप इसको अप्लाई करें। अब आपको विजुलाइजेशन चाहते हैं, चार्ट वगैरह चाहते हैं, तो यहाँ पिवट टेबल एनालिसिस में पिवट चार्ट भी है, या इंसर्ट में आप अपने हिसाब से कोई भी विजुलाइजेशन को इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, अब इसके ऊपर और फॉर्मेटिंग चाहिए, तो अब चार्ट की अलग फॉर्मेटिंग, चार्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डिजाइन में जाएंगे, तो यहाँ आपके पास चार्ट के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट जो चाहिए वो अप्लाई कर लीजिए। अब बढ़िए आगे बढ़ते हैं इसमें, जैसे मान लीजिए मुझे इस पे जो चाहिए वो चाहिए कौन सा रीजन, किस इंडस्ट्री में कितनी क्वांटिटी को सेल किया, तो यहाँ हम पिवट टेबल लगाते हैं। अब पिवट टेबल लगाने से पहले एक चीज और जान जाइए, आपके पास एक रिकमेंडेड पिवट टेबल भी होता है। रिकमेंडेड पिवट टेबल क्या करता है, जब इसको अप्लाई आप करते हैं तो ये बताता है कि इसमें कितने तरह के पिवट और लग सकते हैं, कितने तरह के पिवट और लग सकते हैं, ये यहाँ आपको बता रहा है। सिंपल, इसमें से चाहिए तो आप लोग ओके कर लीजिए, अदरवाइज आप यहाँ क्लिक कीजिए और ओके कर दीजिए।
तो हमें चाहिए किस रीजन में किस इंडस्ट्री के कितनी क्वांटिटी सेल। अब यहाँ पे एक चीज और आती है कि ये जो आपके ब्लैंक सेल्स है, मतलब कि इस रीजन में इस टाइप ऑफ द कस्टमर का कोई ऑर्डर नहीं आया है, मुझे से जीरो चाहिए या कुछ और चाहिए, तो पिवट टेबल पर राइट क्लिक कीजिए, पिवट टेबल ऑप्शन पे जाइए और यही पे आपको दिखेगा 4 एंटिटी सेल्स को यहाँ पे हम जीरो कर देते हैं। ओके, या जीरो के अलावा कुछ और भी चाहिए तो आप और भी कर सकते हैं। अब यहाँ एक चीज और है कि हमने कॉलम में इंडस्ट्री को रख दिया, तो देखिए कॉलम में हमें रख दिया, हमारे पास इसकी जो आइटम है कम है, अगर ये आइटम 1,000 या 10,000 या 20,000 होते तो उसमें दिक्कत होता, क्यों, क्योंकि हम हॉरिजॉन्टल जो है स्क्रॉल नहीं कर पाते, वर्टिकल स्कोर आसानी से हो जाती है। तो उस केस में क्या करेंगे, तो उस केस में हम इंडस्ट्री को रीजन के नीचे रख देंगे, तो कुछ इस तरह का रिपोर्ट बनेगा। ये जो आपका प्लस माइनस का सिंबल आ रहा है, इस तरह का सिंबल होगा, ये यहाँ आपके सामने जाएंगे एनालाइज में, तो ये आपका यहाँ तो कलेप्स हो गया, एक्सपेंड हो गया, कलेप्स हो गया, एक्सपेंड हो गया। लेकिन ध्यान रखिएगा, ऐसा रिपोर्ट हम तब तैयार करते हैं जब हमें किसी को जो रिपोर्ट भेजना होता है उसमें एज ए टेबल टेबल ही भेजना है। अब जिसको कॉपी करके किसी और जगह पे पेस्ट करेंगे या उसको कुछ चेंजिंग आपको करनी है तो उस केस में ये सही तरीका नहीं है। क्यों, क्योंकि जब इसको कॉपी करके हम दूसरे जगह पे वैल्यू पेस्ट करते हैं तो देखिए क्या प्रॉब्लम होता है। अब इसे आइडेंटिफाई करना मुश्किल है कि कौन सा प्रोडक्ट है, कौन सा रीजन है। तो मैं चाहता हूं कि अलग अलग कॉलम में हो, तो उसके दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप पिवट टेबल डिजाइन में चले जाएं और यहां रिपोर्ट लेआउट में सोर्स टेबुलर फॉर्म पे क्लिक कर दें, या फिर राइट क्लिक करें, पिवट टेबल ऑप्शन पे जाएं, टोटल टोटल नहीं इससे डिस्प्ले में क्लासिकल पिवट टेबल लेआउट को सेलेक्ट कर लें, या क्लासिकल टेबल पिवट टेबल को लेआउट को सेलेक्ट कर लें। अब ये जो टोटल आपको दिख रहा है, मैं चाहता हूं इस टेबल को रिमूव करना, तो इस पे जस्ट आप राइट क्लिक करें और क्लिक कर लें, आपका टोटल रिमूव हो जाएगा। अब इसको आपको कॉपी करके कहीं और पेस्ट कर सकते हो, लेकिन वहां भी छोटी सी प्रॉब्लम होगी फिल्टर लगाने में। अभी तो डेटा समझिए छोटा है, बट आपका अगर लार्ज डेटा होगा तो आपको फिल्टर में दिक्कत होगा, क्योंकि यहाँ तो जिन्होंने मान लिया क्लिक किया फिल्टर लगा लिया, क्योंकि पिवट का पार्ट है, लेकिन किसी और जगह से आप जाते हैं तो वहां तो डेटा होगा, तो वहां तो फिल्टर लगाएंगे तो सिर्फ एक फिल्टर होगा, बाकी तो कंसिडर ही नहीं होगा। इन शॉर्ट मैं कहना है चाहता हूं कि जो एशिया पैसिफिक एक जगह पे है वो पूरे जगह पे इस तरह से फिल हो जाए, मैं रिपीट हो जाए। ये काम भी आपका रिपोर्ट लेआउट में रिपोर्ट ऑल आइटम लेवल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। अब कभी कभी पिवट टेबल में हम लोग भेजते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि एक ब्लैंक देते हैं, सेपरेशन के लिए एक ब्लैंक देते हैं, तो पिवट टेबल में तो हम कोई रो इंसर्ट नहीं कर सकते ना, बट मुझे एक ब्लैंक रो इंसर्ट करना है। यहाँ देखिए ब्लैंक रो का ऑप्शन है, इंसर्ट ब्लैंक लाइन आफ्टर इट्स आइटम, हो गया सर। अब इसको आपको हटाना चाहते हैं तो सेम डू नॉट रिपीट,
डू नॉट, यहाँ से रिमूव ब्लैंक लाइन एंड डू नॉट रिपीट. मुझे इसको मर्ज करना है. सेम प्रॉब्लम मर्ज नहीं होगा क्योंकि पिवट में हम मर्ज भी नहीं करते. तो कैसे मर्ज करेंगे? क्योंकि अगर मैंने इसको कहीं और कॉपी करके पेस्ट किया तो एक एक करके मर्ज करना थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा. तो हम एक बार में ही मर्ज करना चाहते हैं. तो कैसे करें? राइट क्लिक कीजिए, पिवट टेबल ऑप्शन पे जाइए, यहीं से आपको दिखेगा मर्ज एंड सेंटर. मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक कर दीजिए एंड ओके कीजिए. देखिए आपका सारा मर्ज हो गया. अब इसमें अगला ऑप्शन आता है जिसे फाइनेंस का 3562 है. अब मुझे देखना है कि इसका डेटा क्या है. तो आपको क्या करेंगे, बहुत से लोग क्या करते हैं कि यहां जाते हैं पिवट में और यहां से फिल्टर लगाते हैं, या कि यहां पे टेक्नोलॉजी फिल्टर लगाएंगे, रीजन फिल्टर लगाएंगे, उसके बाद सम करेंगे. इसकी जरूरत नहीं है. जस्ट डबल क्लिक कीजिए, एक नई सीट में आपका इस तरह का डेटा कॉपी होकर आ जाएगा. मैं दोबारा बताता हूं हमें क्या करना है. जस्ट डबल क्लिक पे डबल क्लिक कीजिए. लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम भी होती है कि बहुत सारे लोगों को डबल क्लिक करने की आदत होती है. अगर डबल क्लिक करने की आदत है और उन्होंने कॉपी एक्स्ट्रा से कर दिया तो दिक्कत हो जाएगी. तो मुझे कुछ ऐसा करना है कि जब मैं इस पर डबल क्लिक करूं तो डेटा ना दिखे. तो राइट क्लिक कीजिए इसी पिवट टेबल पे, पिवट टेबल ऑप्शन पे जाएं और यहाँ डिस्प्ले में माफ कीजिएगा डेटा में अनेबल शो डिटेल्स पे क्लिक कर दीजिए. अब इस पे डबल क्लिक करने पे हमारा पिवट टेबल आएगा ही नहीं. तो मैं सर आप लोगों को कोई डाउट तो नहीं है सर? नहीं सर. आपको बाकी जी कोई दिक्कत नहीं? इट्स इजी. तो इस तरह से आप उसको हटा सकते हैं. दूसरी चीज ध्यान रखिएगा कि पिवट का डेटा पिवट के अंदर ही सेव होता है. अगर मैं सीट वन को डिलीट भी कर दूं ना सर, फिर भी ये हमारा पिवट काम करता रहेगा. कब तक? जब तक कि मैं रिफ्रेश नहीं करता हूं तब तक. समझ गया? अब चलिए कुछ और चीजें देखते हैं पिवट टेबल ऑप्शन में. पिवट टेबल ऑप्शन में आते हैं यहाँ पे आप, तो सबसे पहले मर्ज सेंटर आ गया. इसे यहाँ पे आता है शो एरर. आगे चल के जब इसमें पिवट टेबल में कैलकुलेशन करेंगे तो एरर आएगा. एरर के जगह पर कुछ और चीज शो करना चाहते हो तो यहाँ पे वो चीजें डाल दीजिए. फॉर एम्प्टी सेल, अब यहाँ पे ध्यान रखिए कि जरूरी नहीं कि मैं यहाँ पे जीरो ही दूँ. यहाँ पे मैं कुछ और भी दे सकता हूँ. टोटल फिल्टर, जैसे टोटल दिख रहा है आपको बताता हूँ, टोटल ना शो तो मैंने ग्रांड टोटल एंड कॉलम टोटल मैंने इसको अनचेक कर दिया, अब ये नहीं दिखेगा. सिंपल. दूसरी चीज, ये जो आपको फिल लिस्ट दिख रहा है आप यहाँ से कैंसिल भी कर सकते हो. अब आपका फिल लिस्ट भी नहीं दिखेगा. अब वापस फिल लिस्ट आते हो तो पिवट टेबल पे क्लिक करेंगे तो ऊपर देखिए पिवट टेबल का एनालाइज पार्ट आएगा. यहाँ पे फिल लिस्ट को क्लिक कीजिए, आ जाएगा. आप ऊपर की जो हेडिंग है इस हेडिंग को नहीं शो करना चाहते हो तो फिल इधर अनचेक कर दीजिए, हट जाएगा. ये जो प्लस माइनस आ रहे हैं ये भी नहीं चाहिए. कॉलम एक्सटेंड तो इसको अनचेक कर दीजिए, ये भी आपको शो नहीं होगा. और ये जो सम ऑफ क्वांटिटी है इसको डिलीट आप नहीं कर सकते बट चेंज कर सकते हैं. वापस फिल लिस्ट चाहिए तो आप राइट क्लिक करके भी यहाँ पे शो फिल लिस्ट कर सकते हैं. ओके सर. दूसरी चीज, अब जैसे मान लीजिए क्वांटिटी हमने रखा, मैं एक बार हटा देता हूँ इस चीज को. मैं क्वांटिटी रखा, अगर मैं यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे मैंने एमआरपी को भी रख दिया तो इससे टोटल आ रहा है एमआरपी का. मुझे यहाँ पे टोटल नहीं चाहिए, मुझे इससे यहाँ पे एवरेज चाहिए. तो इसके अंदर जो भी फील्ड है उसमें बाय डिफॉल्ट सम या काउंट आता है. सम किस केस में आता है? सम आता है अगर आपका जो डेटा है अगर उस पर टेक्स्ट है, मतलब कि जो फील्ड आपने रखा है वो टेक्स्ट है तो वहां पे आपका सम आएगा. अदरवाइज नंबर है, सॉरी टेक्स्ट है तो काउंट, नंबर है तो सम. बट आप चेंज कर सकते हैं. एमआरपी पे जाएं, वैल्यू फील्ड सेटिंग पे जाएं
और यहाँ से आप चेंज कर ले। मैंने यहाँ पे एवरेज सिलेक्ट कर लिया, अब यहाँ पे देखिए एवरेज ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एवरेज भी बहुत सारे आ गए, इसको सिलेक्ट करके मैं इसको अपना अनसेट कर दिया और ऊपर इसको एजीजी कर सकते हैं, कुछ भी चेंज कर सकते हैं यहाँ पे आप। इस तरह से आप एवरेज ही नहीं, इसमें और भी फीचर्स हैं, सम काउंट मैक्सिमम मिनिमम प्रोडक्ट और भी ये सारे चीजें कर सकते हैं। इसकी एक कैलकुलेशन पार्ट भी होती है जो कि हम आपको अगली क्लास में समझाएंगे, ठीक है सर। अब ये डेटा मैं आप लोगों को शेयर कर देता हूं, आप लोग मुझे इसमें से तकरीबन अभी मैं बात की बात नहीं कर रहा हूं, अभी कर रहा हूं, अभी मुझे इसमें 10 जो है अलग अलग पिवट टेबल बना के दे। ये डेटा मैं आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए शेयर करता हूं। तो इसमें है आपका दिन है कामरान जी, दिनेश जी आपकी ईमेल आईडी क्या है? दिनेश डी नागौर सर, ये डी नागौर भूल जाता हूँ आपकी, ये फर्स्ट वाली है सर। सर्वेश जी आ गए, और आप अब्बासी जी आपकी क्या है? मोहम्मद औसफ अब्बासी, ये हाँ। और यहाँ हमने फाइल दे दिया, सर पिवट टेबल एक रिक्वेस्ट है, पिवट टेबल पे जितना हो सके उतनी प्रैक्टिस कीजिए सर। अभी आपको लग रहा होगा कि इजी है और इसमें से बहुत सारे फीचर्स आप यूज करते होंगे ना सर, लेकिन जब कल की क्लास में बताऊंगा उसमें ग्रुपिंग, उसमें कैलकुलेशन ये बताऊंगा तो वो आपके लिए बिल्कुल नया होगा सर। मुझे पूरा भरोसा है कि वो पहले से आपको ना पता होगा, ठीक है। तो मिलते हैं कल सेम टाइम, कोई और डाउट क्वेश्चन होगा तो मुझे व्हाट्सएप या फोन कर लीजिएगा।